लोगों को पार्किंग की थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो आज पर पार्किंग की प्रॉब्लम हल हो गई है। अब विरोध करने वाले तो विरोध करेंगे, उनको तो मुद्दा चाहिए। वो भीड़ वाला एरिया ऑलरेडी वो बाहर बहुत ज्यादा भीड़ है पहले से ही, तो बाहर की साइड सही है ना, ज्यादा बाहर थोड़ी ना, ये थोड़े बाहर ही तो है। देखा लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिग माइना के पार्किंग को नहीं रोड के ऊपर लिया या बग लिए का ही क्यों है। पार्किंग तो बहुत जरूरी है, खुले में रहेगा वहाँ भीड़ भड़ाका बहुत ज्यादा होता था। फालतू लगे है और के लगे है जगह को नहीं। प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। फिफ्थ टू ट्वेल्थ क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीतें करोड़ों की स्कॉलरशिप। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और आपा फिलहाल अपनी लोकेशन है जगी कैंटीन, सीएसडी कैंटीन है बिग माइना है और रोड के ऊपर की स्थिति के कई दिनों से मुद्दों बनबा लाग रहे हो के कैंटीन के अंदर पार्किंग की समस्या है जगी बहुत ज्यादा है और भी वजह से के लोगों ने वाहन है जगह अठिन खड़ा करना पड़ रहा है। लेकिन कैंटीन प्रशासन के लगातार मेहनत के बाद के मायने वो जखो समस्या हो इन भी समाधान आज हो चुके हैं और जखी अठिन देखभाल लाग रहा हो के सीएसडी के लिए आ कैंटीन है, ये सब अक सर्विस मैना की जगह कैंटीन है बिक लिए पार्किंग की सुविधा है इस जगह के ऊपर करी है। तो अठे अक सर्विस मैन भी आयेड़ा है, मैनेजर साहब भी है, सब बातचीत कर सिया। दादी राम राम जी। राम राम। कई दिनों हुआ मुद्दों भी चल रहे हो के कैंटीन के मायने मतलब अति दूर लिया है, लेकिन फिर भी पार्किंग को मुद्दों चल रहे हो के पार्किंग की समस्या है, रोड पर खड़ा करना पड़े। आज पार्किंग को हल निकल गो है और इस साइड के मायने जमीन ली है करी है तो कहीं कहो एक ऊपर है बहुत बढ़िया है, बहुत बेस्ट है। बहुत भीड़ ही, हाँ भीड़ नहीं है, खुल्लो इलाका है, कैंटीन की जगह है और पूरा सामान आ सके है। कि अगर पांच ट्रक आ गया तो उसमें सामान नहीं आता, इसमें सामान है। मैं 30 साल से कैंटीन से सामान ले रहा हूँ। अच्छा। हाँ, पहुंच केंद्र हो 30 साल सर्विस करी और 30 साल मेरे पेंशन आया हो गया। 30 साल पेंशन आया हुआ, 30 साल दिक्कत ही होती बड़े। हाँ, लेकिन बिग बावजूद भी कहीं दिक्कत है कि बहुत सारा लोग विरोध भी कर रहे हैं। हाँ। जखा बे एक्स सर्विसमैन बे क्या मैं भी एक्स सर्विसमैन आ बे विरोध कर रहे हैं। अभी जो नई नई जगह आई है तो कमी तो है ही। हाँ, लेकिन के बाद जो इंसान खड़ा हुआ है वहाँ के लिए थोड़ी छाया को बंदोबस्त है, छाया होनी चाहिए। अच्छा, तो अब मैं फुल स्पेस हो पार्किंग की सुविधा होगी पूरी पे जगह, पहली की समस्या आई जगह सगली सोल्व होगी। हाँ, बिल्कुल प्रॉब्लम। अठिन और एक सर्विस मैन कौन सा गांव, कौन सा तारो? मारो गांव दौलतपुर है, कैप्टन कान सिंह नाम मेरा। कैप्टन कान सिंह। हां जी, बिल्कुल, धन्यवाद साहब। और राम राम जी। राम राम जी। आ कैंटीन की जगह कई दिनों मामलो चल रहे हो के विरोध करबा लाग रहा है, बहुत सारा एक सर्विस मैन केवा के बारे लिया या फिर भी पार्किंग की सुविधा को नहीं, लेकिन अब आ पार्किंग वाली सुविधा भी होगी है, अंदर भी स्पेस खूब बता रहा है। अच्छी चीज है, पार्किंग बहुत अच्छी होगी। तो एक सर्विस बना के लिए कतोक फायदो है ठेबो? बहुत ज्यादा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस तर्ज के ऊपर आप मैनेजर साहब बात कर एक बार के मायने साहब। राम राम। राम राम जी। राम राम। कैंटीन की आज की समस्या ही पार्किंग की, इको निवारण लास्ट के मायने हुई गो है? होएगा, हो गया, ये तो हम भी जानते थे कि इसमें समस्या थी कस्टमर की, कि रोड हाईवे है तो उस समस्या का समाधान हमको करना था। थोड़े दिन टाइम लग गया हमको, आज हमने ये व्यवस्था पूरी कर ली। जखा लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिग माइना के पार्किंग को नहीं रोड के ऊपर लिया या बग लिए का ही क्यों है? उनका उनका अपना सोच विचार है, परंतु हमने उनकी बातों को मतलब उनकी बातों पर ध्यान न देके हमने अपने कैंटीन को सुचारू रूप से चलाना है। कस्टमर को कितनी खुशी मिले, कस्टमर हमसे कितना खुश रहे, वो हमने व्यवस्था पूरी करनी है। उनका अपना सोच विचार है, उनके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। बे लगातार वो मुद्दों उठा रहा है, एक हाईवे के ऊपर है, कदे हादसा हो जाए, पार्किंग की सुविधा करी को नहीं, लगातार लंबो यहाँ खींचवा लाग रहा है इन विरोध प्रदर्शन के रूप में, लेकिन आज वो निवारण हो चुके है अभी और... हमारा हाँ मेन मुद्दा तो यही था, हम कुछ जानते थे कि व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब कोशिश की हमने, आखिर में आज हमने अपने कस्टमर की जो सुविधा के लिए पार्किंग की व्यवस्था कर दी, अब कोई समस्या नहीं है। अब विरोध करने वाले तो विरोध करेंगे, उनको तो मुद्दा चाहिए, उनका मुद्दा का हम कुछ नहीं कर सकते, उनका अपना मुद्दा है। अभी हमने व्यवस्था कुछ करनी थी, बहुत सुचारू रूप से व्यवस्था कर लिया। अच्छा, लगातार अटे परेशान हो रहा है लोग, अब लास्ट का मायना सुविधा होगी? हाँ, होगी, बहुत बढ़िया होगी। सुविधा होनी भी चाहिए, हाईवे हो, हाईवे का एक्सीडेंट की कितनी संभावना है, पार्किंग तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और अंदर बहुत सारा लोग है, बाऊ भी एक्स सर्विसमैन है, बाऊ भी बातचीत कर सो मुद्दों सोल्व हुए
और पार्किंग भी मैं दिखा दू स्पेस कतो के एक मायने एक बीघा कती जमीन है एक बीघा जमीन है एक बीघा जमीन है एक बीघा जमीन है पूरी ठेठ तक और एक अंदर आ पार्किंग की सुविधा है पार्किंग स्टार्ट हो चुकी है इस साइड का माया देखो दे बाइक लागबो स्टार्ट हो चुकी है कुछ लोग पहले अंदर लगार अंदर चला गया बारह लगार अंदर चला गया लेकिन अब सुचारू रूप वट है पार्किंग है जगह स्टार्ट हो चुकी है कई दिन से वो मुद्दो जो लगातार हाईलाइट हो बहुत सारा लोग आ जगह एक मायने एक्स सर्विस में ना बहुत सारा विरोध प्रदर्शन हो लेकिन मैनेजर साहब को कहना के एक टाइम लागे एक पीरियड लागे एक प्रोसेस हुए भी प्रोसेस के तहत में असुविधा है जखी अपना पुराना एक्स सर्विस मैन है जगह कैंटीन का माइन आवे कस्टमर आवे है तो बक लिए असुविधा करना जरूरी हो और बिक लिए आज पूरी पूजा पाठ कर और विधि विधान सुहा चालू कर दी है इस इके अंदर कुछ और भी करियो जासी की कहीं हाँ जी अन का मैनेजर साहब हम बात करी तो बता रहे कि धीरे धीरे सुविधा और बढ़ाई जाएंगी इंटरलॉक वगैरह जुड़वा के इनको समतलीकरण करा के एन और भी बहुत बढ़िया बनाई जाओ अच्छा इंटरलॉक वगैरह भी लगाया जासी एक मायने आल तो लगभग स्टार्ट करिए पहलो पड़ाव है तो यह पहली जीत है तो अभी बाढ़ ने अपन वाहन बाढ़ ने खड़ा करने की जरूरत को नहीं और अभी कच्ची है लेकिन एक मायने भी शायद लोडर वगैरह पूरा चला और एकदम पानी वानी लगार पूरी एकदम करेड़ी है कांकरा वांकरा भी बठिन जमाएड़ा है और इस साइड के अंदर भी पूरी रखी गई है अब दो चार दिन में तकाटक कर दी जाएगी तकाटक कर दी जैसी अब और भी जगह एक सर्विस मैन है जगह आयड़ा है बहु चर्चा कर एक बारह का मायने पार्किंग लगा रहा है ना शुरुआत कर थोड़ी सी चर्चा बातचीत कर ले तो कैंटीन में आया हो हाँ। अच्छा पार्किंग की भी पूरी सुविधा हो चुकी है पहली काई परेशानी ही अब पार्किंग जगी लगी है एक ऊपर काई कहना आपने पार्किंग सही है क्योंकि रोड ऑन रोड है तो ऑन रोड पे ज्यादा व्हीकल्स वगैरह खड़ी रहेंगी तो दिक्कत होगी तो अब आज जगी नई सुविधा हुई है ये अच्छी बात तो सही है और कैंटीन जगी अतः दिन पहले अंदर संचालित होती बिग बाद में इस जगह आई है तो कहीं डिफरेंस लागे है कहीं सही है या फिर पहले जहाँ थी वो भीड़ वाला एरिया ऑलरेडी वो वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है पहले से तो बाहर की साइड सही है ना ज्यादा बाहर थोड़ी ना ये थोड़े बाहर ही तो है सही है बिल्कुल पॉजिटिव रेस्पॉन्स है जगह लगभग आवे है जता भी लोग आ रहे है की पहली भीड़ भाड़ को सेक्टर हो अठा आवा तो आराम सगड़ो काम उसका आराम गाड़ी खड़ी करो और अंदर सामान की भी पूरो स्पेस है जगह सगड़ो है तो कैंटीन की जखी कई दिनों समस्या चल रही पार्किंग की भी को फिलहाल समाधान हो चुके है और जगह नजारो थान दिखवा लाग रही हो कि पार्किंग को इश्यू आतो हालांकि रोड नीचे हो लेकिन फिर भी गाड़ी खड़ी करवा में हमेशा दिक्कत आती क्योंकि हाईवे है और हाईवे पर घना भी दुर्घटना हो जा लेकिन भी को समाधान हो चुके है और कैंटीन का जगह लोग है कर्मचारी है जगह भी पूरा मतलब अब आवे तो बान पार्किंग के बारे में बतावा है और अंदर खड़ा करवा खातर जागरूक करे के बिल्कुल अंदर खड़ा करो पार्किंग के अंदर खड़ी करो और बिक बाद के मायने सामान लो क्योंकि बिक की वजह से खटे कोई दुर्घटना हो जाए तो समस्या हो जाए कि कैंटीन अठे शिफ्ट हुई है और बिक बाद में कई दिनों मुद्दों भी चल रहे हो कि पार्किंग को नहीं आज पार्किंग को समाधान भी उगो है और बिग बाद में अंदर की बात करा तो आ कैंटीन अड्डा शिफ्ट होने का ही लागे एक सर्विस मैन के लिए फायदा या फिर कहीं देखो हर बात में नेगेटिव भी होती है पॉजिटिव भी है खुले में रहेगा वहाँ भीड़ भड़ा का बहुत ज्यादा होता था साधन खड़ा नहीं कर सकते थे ये अंदर स्पेस वगैरह अच्छा। कतो गए ठीक है वहाँ से अच्छा बठों कतो ज्यादा लागे है वहाँ से मतलब सवा डेढ़ का फर्क जैसे मतलब भी मतलब डेढ़ गुना ज्यादा ही है हाँ डेढ़ गुना ज्यादा ही आराम की जगह है ठीक आराम की जगह थे दो आदमी दो अक्सर उसमें आया हो एक केवा आराम की जगह है एक केवा ऑक्सीजन तो कोनी गुटर मर रहा है कलेक्ट्री में पाती तो कोनी है खुली जगह हाँ ठीक सही है जी कह रहा बटा गुटर मर रहा है बटे फालतू लगे है और के लगे हरियाणा पर ये जगह कोनी फालतू लगे और कहीं कोई समस्या कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है बढ़िया है साहब बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है अब थारा ही साथी है जगह कह रहा है कि रिपेयर दस फालतू लगे बस सामान क्यों लेगा क्यों अगर बने शिफ्ट करवानी है तो मैं चार बार जाया हो मैं चार बार जाया हो कि भाई तुम यहाँ मतलब धरने के लिए बैठे हो लेकिन तुम सामान कैसे लिया है सामान क्यों लाए अगर सामान तो चलो सामान तो नहीं तो सामान तो ड्रा कर रहे हैं और भाई सामान तो मजबूरी लेना ही पड़ेगा सर मजबूरी लेना पड़ेगा तो आपके गांव कौन सा है अंकल जी गांव आपका आपको गांव हाँ मैं तो गोठड़ा टिकाला गोठड़ा टिकाला कौन सी साइड है
डीडवाना रोड पर, डीडवाना रोड पर 40 किलोमीटर है इधर से। मैं एक्स एयरफोर्स से हूँ, एक्स सर्जेंट फ्रॉम द एयरफोर्स। अच्छा, तो आज की कैंटीन अठे स्टार्ट हुई और बहुत सारो ऑब्जेक्शन भी आयो हुई को, और अब जखी आप फैसिलिटी पार्किंग की साथ में अत्ता दिनों मुद्दो बन रहे हो, क्योंकि बहुत विरोध में भी आ, पक्ष में भी आ, बहुत सारा लोग आ। नहीं, सारो, हाँ। देखो इसको गलत ढंग से लिया गया है। इस कैंटीन के विरोध में कोई नहीं था। अच्छा, हमारा अक्स सर्विसमैन का मत ये था कि सीकर में बहुत बड़ी संख्या अक्स सर्विसमैन की, यहाँ सिर्फ सीकर जिले के नहीं, झुंझुनू के, इवन हरियाणा के, गंगानगर के, नागौर के, बहुत से बच्चों के परिवार यहाँ पे रहते हैं अक्स सर्विसमैन की। इसलिए अभी आप भी देख रहे हैं कितना लोड है, कितने आदमी चले गए। हमारा मुद्दा यह था कि ये वो जो मेन कैंटीन है पहले से, हाँ। वो चालू रहे, ये भी रहे, इवन हमारा राम जी जो सांसद हैं वर्तमान, वो भी आए थे धरने पे, उन्होंने भी यही कहा था। हमारी मांग भी यही है कि भी ये कैंटीन भी चले और वो कैंटीन भी चले, और हम तो ये कहते हैं कि हो सके तो एक काउंटर सावली सर्कल पे भी लगाओ ताकि ये भीड़ कम हो जाए। अच्छा, हमारा तो कोई मुद्दा ये नहीं, मेन मुद्दा ये है कि भाई यहाँ एक एक काउंटर पे भीड़ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए काउंटर हो सके तो तीन करो, लेकिन दो तो रखो नहीं, क्या फायदा, वहां से शिफ्ट करके यहाँ ले, वो भीड़ तो उतनी की उतनी रह गई, भीड़ तो तब कम है कि अलग अलग काउंटर स्टार्ट करो। झुंझुनू में स्ट्रेंथ कम है, वहां पे तीन काउंटर है, तो सीकर में तो इतनी स्ट्रेंथ है, कम से कम 20,000 परिवार यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के रहते हैं, चाहे वो हरियाणा के हो, चाहे वो झुंझुनू के हो, चाहे वो सीकर के हो, नागौर के हो, गंगानगर, हनुमानगढ़, कोचिंग हब है यहाँ पे, इसके कारण से ये इतनी भीड़ होती है। इसलिए हम ये हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि भाई ये दो काउंटर दोनों चले, हो सके तो एक सावली सर्कल पे और बनाओ, और बनाओ ताकि तो आज की थारी मतलब मांग है, तो मतलब कैंटीन का मैनेजर तो पूरी कर सके को नहीं, तो इको है जगह सांसद जी है, बे है, आगे बे ही तो बात कर सी ना, मतलब सेंटर तक सरकार तक पहुंचा मैनेजर, इसमें पार्टी क्यों बने? हाँ भाई, कैंटीन मैनेजर तो अपनी ड्यूटी करे ना, वो पार्टी क्यों बने, वो ये क्यों कहे कि ये अच्छी है, वो अच्छी है, उस वो पार्टी नहीं बनना चाहिए, वो तो मैनेजर अपनी ड्यूटी करे ना, आज है कल दूसरा मैनेजर आ जाएगा। मेन समस्या ये नहीं है कि ये कैंटीन क्यों है और वो क्यों है, हम तो ये चाहते हैं कि काउंटर दो तो है, एक और करो सावली सर्कल ताकि लोगों, तो मेन मुद्दो है जो ओ है, और एक ऊपर भी चर्चा हुई है आगे, और काउंटर बढ़ावा की जिम्मेदारी है जो की सरकार की है, वो बात क्या है, आगे मतलब सांसद जी आगे लिखकर देसी कमांडर से भी बात की है, जीओसी से भी बात की है, बात चल रही है, तो बात ये है, बिल्कुल इनको इस बात को लोगों ने उलझा के रख दिया कि ये वो नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, मुद्दा है ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं काउंटर दो है, एक तीसरा और बनाओ सावली सर्कल पे, ताकि वो दो उधर उधर से आने वाले दातारामगढ़ वहाँ वही उनको मिल जाए सुविधा। बिल्कुल, जब झुंझुनू में तीन है, वहाँ की स्ट्रेंथ इससे आधी भी नहीं है, तो यहाँ तीन क्यों नहीं हो सकते? जरूर, तो कई दिनों मामलों चल रहे है कैंटीन वालों, कदे उफान पर आवे है, कदे पाछो डाउन आवे है, पार्किंग की सुविधा भी हो चुकी, तो एक ऊपर काई कहना है कि जगह अठे शिफ्ट हुई कैंटीन और बिग बात के मायना सुविधा है, तो सुविधा है या फिर दुविधा है? नहीं, दुविधा कुछ नहीं है, जितने भी लोग कैंटीन से सामान लेके जा रहे हैं उनसे आप दिल से पूछो कि कितनी अच्छी सुविधा है। लोगों को पार्किंग की थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो आज पर पार्किंग की प्रॉब्लम हल हो गई है, आज काफी जगह ले लिए, 50 गाड़ी एक साथ वहाँ खड़ी हो सकती है, एक बीघा बताओ, एक बीघा जमीन है तो 50 गाड़ियां लमसम खड़ी हो सकती है वहाँ, अब देखो कितना अच्छा पार्किंग बन गया। अभी भी लोग बोल रहे हैं कि वहाँ कैंटीन होनी चाहिए, वहाँ नहीं मानता हूँ, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी, 80 साल का बुजुर्ग वहाँ सामान ले सकता था क्या कैंटीन में? मेरे कहने का मतलब बहुत ही अच्छी सुविधा हुई है, लोगों की पार्किंग की सुविधा थी, आज वो पार्किंग वाला प्रॉब्लम भी हल हो गया, इससे अच्छा तो मेरे को लग नहीं रहा कि ऐसा कोई दुविधा हो। बिल्कुल, अगर फिर भी लोग ऐसे प्रॉब्लम, तो फिर तो कैसे प्रॉब्लम कर सकते, मेरे हिसाब से ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। अभी पार्किंग की प्रॉब्लम थी, वही मैनेजर साहब ने आज हल कर दिया, कैसे भी करके बात करके, अभी तो प्रॉब्लम है ही नहीं कैंटीन के मामले में, तो थे पॉजिटिव, पॉजिटिव एकदम। तो जखी भी बात ही भी ऊपर आप चर्चा करी, दोनों पक्ष सामने आवे कोई, क्योंकि कई कई दूर आवे जना भी के लिए परेशान भी नजर आवे, तो कई भी के लिए पॉजिटिव भी नजर आवे कि अच्छा स्पेस है और अच्छी जगह है। धन्यवाद, थारो कहीं कहना है वो जरूर अपन कमेंट में बताओला। राम राम साहब।